अगर मैं आपसे कहूं कि इस धरती पर एक ऐसी जगह मौजूद है जहां जाकर मनुष्य संपूर्ण शांति और प्रबोधन एनलाइटनमेंट मिल सकता है। जी हां दोस्तों, ऐसी जगह सच में मौजूद है। मैं बात कर रहा हूं उस जगह की जो हिमालय के ऊपर एक शहर है जिसका जिक्र विष्णु पुराण से लेकर तिब्बती और बौद्ध धर्म के ग्रंथों में भी किया गया है। इस जगह का नाम है शंभाला। वेलकम टू गॉड्स ऑफ इंडिया, जहां मैं आपको मंदिरों और भगवानों से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्य, उनकी ताकत और चमत्कारों के बारे में बताता हूँ। आइए जानते हैं शंभाला के बारे में, जिसे कुछ ग्रंथों में श्रृंगला और ज्ञानगंज भी कहा गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि शंभाला में रहने वाले लोगों की उम्र नहीं बढ़ती है और समय समय पर लोग इस दुनिया में से इंसानी दुनिया में भी आते हैं। माना जाता है कि कलयुग के विष्णु अवतार कल्कि का जन्म भी यही होगा। माना यह भी जाता है कि को मनुष्य योग और धार्मिक यज्ञों पर अपनी जिंदगी जीता है वह इस जगह के दर्शन कर सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आज तक किसी भी मनुष्य को इस जगह की सही जानकारी नहीं है कि यह कहां पर स्थित है, और जो मनुष्य उस दुनिया में चले जाते हैं वह वापस आकर नहीं बता सकते। इसका कोई भी ट्रेस नहीं है, मतलब इस जगह को GPS पर ट्रैक या लोकेट भी नहीं कर सकते हैं। इस जगह पर जाने का प्रयास काफी साधुओं ने किया, परंतु आज तक मनुष्य रूप में वहां कोई नहीं जा पाया है। कहा जाता है कि जब कोई साधु बहुत दिनों तक ध्यान में बैठे और अपने पूरे मन से शांति को प्राप्त करे, तब वह मनुष्य अपने मन की इच्छा से शंभाला के दर्शन कर सकता है। परंतु विज्ञान इस जगह के बिल्कुल खिलाफ है। विज्ञान कहता है कि माना कि अगर मनुष्य को सही आहार मिले तो उसकी आयु बढ़ाई जा सकती है, परंतु एक ऐसी जगह जिसका अस्तित्व इस धरती पर आज तक किसी को नहीं दिखा, वहां जाके मनुष्य की आयु 1000 वर्ष की हो जाए, यह असंभव है। इस जगह पर किसी भी धर्म का व्यक्ति जा सकता है, पर उसे एनलाइटनमेंट के राह पर चलना पड़ेगा। साथ ही साथ बहुत लोग कहते हैं कि शंभाला गुप्त आध्यात्मिक शिक्षा की रक्षा करता है। कहा जाता है कि जब इस धरती पर पाप अपने चरम पर होगा तब यही से कल्कि अवतरित होंगे और धरती को बचाएंगे। लोगों के अनुसार शंभाला के पास एक आश्रम भी मौजूद है जहां पर लोग बहुत ही लंबे समय से ध्यान कर रहे हैं। आधुनिक समय में यह जगह हिमालय में मानसरोवर नदी के पास बताई जाती है, लेकिन चौथे आयाम में होने के कारण यह लोगों की पहुंच से काफी दूर है। विष्णु पुराण के हिसाब से जब समुद्र मंथन हुआ था तब जो संजीवनी बूटी प्राप्त हुई थी उससे एक गुप्त जगह रखा गया था, जो कि हिमालय के इसी शंभाला ज्ञानगंज के मठ में रखा गया था। और माना यह भी जाता है कि जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था तब हनुमान जी को संजीव बूटी लाने के लिए साधुओं ने इसी जगह का उल्लेख किया था। कुछ वैज्ञानिक लोगों का मानना है कि यह जगह धरती से स्वर्ग का रास्ता है। साथ ही उस जगह पर कोई भी आधुनिक उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहां के लोग हम मनुष्यों से कई लाख वर्ष आगे हैं और उनके उपकरण हम मनुष्यों की सोच से परे हैं। साथ ही उनका यह भी कहना है कि वहां के लोग दुनिया भर में किसी भी मनुष्य के साथ टेलीपैथी के जरिए बात कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को इस जगह को लेकर क्या मानना है मुझे कमेंट्स में बताना न भूले। तब तक के लिए ऐसे ही रहस्यमयी जगह और मंदिरों के बारे में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।